तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस चालू करते हैं, हमारी हीरोइन मॉडलिंग करते हुए नजर आ गई होगी आपको। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, रूम की सफाई मैंने कर दी थी लेकिन हमारे बच्चे ने कर दी है खराब, देख सकते हैं। देखिए लड़का आज फिर चढ़ चुका है, ये कल चढ़ा था इसको, आज फिर चढ़ गया है। काली है। और हमारी अल्तिफा की देखो, हमने छुट्टी बांध दी है, कल ये नहाई थी, सर्वर धोया था इसने रात में। और ये कपड़े इसके फेवरेट है क्योंकि ये सॉफ्ट है ना, तो ज्यादातर ये यही पहनती है, जो इसको पसंद होते हैं ये वो। हाँ कपड़े बहुत सारे हैं इसके पास लेकिन हाँ ये देखिए, ये जब पहनती है ना तो डिसाइड करने के लिए ऐसे भी खेल देती है ये कपड़े। और उस वाले रूम में भी हमारे कपड़े रखे हुए हैं, और यहाँ मेरे जो कपड़े मुझे सीने हैं वो रखे हुए हैं, कल मैंने एक कमीज सी थी। तो गाइस हमारे ब्लॉग में आप जुड़े रहिए क्योंकि आज मैं लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। आज मैं अपनी मर्जी का कुछ नई डिजाइन का लहंगा सीने वाली हूँ, जो मेरे दिमाग में आया है कि मैं इस तरीके का सीऊँ। अगर आपने देखा हो तो जरूर बताना, लेकिन वैसे तो मैं खुद की मर्जी से सी रही हूँ तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको जरूर बताऊंगी। तो आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना, पूरा ब्लॉग देखना, बीच में स्किप मत कर देना। और गाइस प्लीज लाइक किया कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं फ्रिज गिर जाएगा क्योंकि ढक्कन निकाल रहा है उसका। नहीं 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 अफाम आयशा को भी नहीं, और ये तोड़ दिया है, ये उठा के रखो बेटा। और देखिए गाइस मैंने बर्तन वर्तन मांग के, बस अभी मुझे रोटी बनानी बाकी है, सब्जी रात की रखी हुई है तो वही गरम करके खा लेंगे। और इन बच्चों ने मैगी बना के खाई है तो मैगी के बर्तन भी रखे हुए हैं। और ये ज्यादातर देख सकते हैं गेम खेल रही है लगता है, ए चलो नीचे उतरो बच्चा। क्यों मार रही है उसको, समझ में नहीं आता है, बार बार परेशान करती रहती है उसे। करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? करेगी बोला ना, दोनों ने कचरा कर दिया है। हाँ वो तो दिख रहा है। देखो कप दे, यहाँ पे भी कप फेंक के यहाँ पे भी कचरा करा है इन्होंने। अरे फिर तो करना होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा मम्मा के साथ प्रैंक कर रहे थे, गाइस जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अभी ये सफाई करने के बाद हम करते हैं कटिंग लहंगे की,
और फिर हम एक अपने घर देखे किसके साथ रात तक आपके साथ करेंगे चलते रहेगा मम्मा और बार बार भगा रहा है देखो इसने गंदा किया था तो इसने साफ सुथरा भी कर दिया बिल्कुल रूम को। हेलो गाइस, तो मैंने न्यू ब्लॉग देखिए इसने सोफे को भी बिल्कुल सेट कर दिया अच्छे से तकियों के लगा के साइडों में और बेड उधर वाले कमरे में तो इसको और भी ज्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि ये सोफे पे पड़े रहती है आराम से और ये रोटी जो पड़ी हुई थी दिन में और ये रोज दिन में ये ऊपर रात होती हुई थी देखिए चकाचक कर दिया है मेरी बेटी ने कमरे को और ये और इसके पापा को तकिए लगा इधर लेटे हुए हैं मैंने तकिए लगा दिया के पापा को मैंने मोबाइल अगर वो देगी तो देखूंगी अगर नहीं देगी तो और हमने इसलिए ही तो मोबाइल लिया है गाइस अल्तिफा गिर चुकी है बाहर अब गिरने से तिरछी है और का लगी है बेड भी नहीं पा रही है तिरछी बैठी हुई है पांव भी दुख रहा है ये वाला ये पांव भी दुख रहा है एकदम लगी साइड है और दुखी है हल रहा है एकदम रिपट गई ना लाया इसलिए हां भाई कैसी लगी आगे स्वाद गाइस अब हम जा रहे हैं 9:30 बज गए हैं आज हमने सोचा है थोड़ा घूम के आते हैं बाहर चलो चलो रुपट्टा दे दो मेरा लो मम्मा हिजाब लो तो गाइस मैं भी ब्लॉगिंग करना चाहती हूं और मम्मा कर लो चाबी अपाम पापा बैठे हैं तो और मुझे चप्पल नहीं मिली ये रही चप्पल मैं चप्पल पहन ली हूं तो फार्म हम सब चल रहे हैं बाहर टहलने यह बताया तुझा तो चलो फिर पहले चलने मम्मा पापा तो गाइस तो हम चलने टहल तो चलो फिर चलते हैं तो चल पूरे ठहल पीछे आ रहे पापा आपको फेस नहीं ये फार्म देखो महाराजा बन के आगे आगे चल रहा है गाइस अंधेरा आ रहा है इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा हम रात को निकले तभी आए हम लोड तक ये देखे लोड तक ही आए हैं अभी हम हमारा घर किधर है अंधेरा हो रहा है पर थोड़ा थोड़ा जलोगे वीडियो बन सकती है चलो चलते हैं गाइस हम पहुंच चुके हैं बहुत चुके थे गलती से गाइस कुछ भी नहीं गाइस चलते रहो लापरवाही का नतीजा है तो गाइस हम 9:30 बजे गए थे 20 मिनट टहल कर आ चुके हैं हम गाइस मेरे पांव दुखने लगे
इसके पाँव में दर्द होने लगा है। ये दिन में नहलाया था जब शाम को, सॉरी तब है ना गिर भी गई थी। हाँ आपको बताया था। हाँ गिर भी गई थी ये, और फिर इसका पाँव दर्द कर रहा था। थोड़ा ठीक हुआ, मैंने टूब की मालिश की तो ये फिर मेरे साथ चल दी और वापिस रुकने लग गया। चलते और अभी आपको दर्द करने से ये कमर दुखती है ना, इसमें आपको दर्द है कि रेस्ट करने का वजह उधर बैठ जा। तो गाइस मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, फिर भी मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ चला। वो भी थक चुका है इस चक्कर में। मेरे आपर दर्द हो रहा है। अभी भी हो रहा है बेटी? हो गया मेरे तो कम हो गया। छच छच बताओ। अब हो गया। गाइस को तो छच छच बताओ। अरे हो गया। हो गया गाइस। मेरा भी ठीक हो गया है। तो अभी हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अभी सुबह। जब तक के लिए बाय बाय। हाँ गाइस, तो हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए वीडियो को गाइस, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। और मैंने आज बोला था कि है ना मैं मेरे लहंगे की कटिंग दिखाऊंगी, तो ये बच्चों ने इतनी मस्ती की कि मैंने कटिंग नहीं की, तो इंशाल्लाह मैं कल जरूर कटिंग करूंगी, तो जरूर आपको दिखाऊंगी। बाय।